बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रेरणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ये एक और चीज़, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी मिस आउट किया है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो मैंने शीट मास्क के ऊपर बनाया है। शीट मास्क प्रॉपर जो मार्केट में आते हैं आजकल काफ़ी वैरायटी के आते हैं, या तो आप चारकोल शीट मास्क ले लीजिए या एलोवेरा ले लीजिए, तो उन सब का तो एप्लीकेशन आप सबको पता ही है। लेकिन एक जो सिर्फ शीट मास्क होता है जो प्लेन आता है जिसमें कुछ नहीं होता, टिश्यू पेपर जैसा लगता है, उस पर मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने की टेक्निक क्या है, तो उसी पर ये व्लॉग है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के शीट मास्क। तो यहाँ पे लिया है मैंने गुलाब जल एक बाउल और एक हमारा कैप्सुला शीट मास्क। अब इस शीट मास्क को आप बाउल में डाल लीजिए और इसमें डालेंगे अपना गुलाब जल। आप कोई भी ब्रांड का गुलाब जल ले सकते हैं। इसे इतना डालिए जब तक कि ये इसमें सोक नहीं हो जाता। जैसे जैसे इसमें गुलाब जल जाता जाएगा ये कुछ इस तरह से फूलने लगेगा। जब ये अच्छी तरह फूल जाए तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखें इसे। इससे क्या होगा, इसका जो भी गुलाब जल हमने इसमें डाला है वो इसमें अच्छे से रुक जाएगा। सबसे पहले आप अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, हल्के से इसको निचोड़ के। थोड़ा सा गुलाब जल एक्स्ट्रा था तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, इसे ज़्यादा ना निचोड़ें। अब इसे खोल लीजिए। इसे अच्छे से खोलने के बाद आप इसे अपने फेस पर सेट कर लीजिए। एक बार में जल्दी सेट नहीं होता है तो आप इसे ध्यान से सेट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको हल्के से कट मार के अपने फेस के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। आंखों के पास से फिर भी उतना ठीक से नहीं बैठ रहा था। तो अब इसे लगाने के बाद मैं इसे 15 मिनट के मैंने इसे रखा है। इसे 15 से 20 मिनट तक ही रखें, तो ज़्यादा ना रखें। इसे हटाने के बाद आपको हल्का सा बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक दिखेगा अपने फेस पे, शायद आपको कैमरे पे नहीं दिखेगा। इसके बाद आप अपना लगा लीजिए कोई भी मॉइस्चराइज़र। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे गार्नियर का मॉइस्चराइज़र लगाया है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अब इस मॉइस्चराइज़र से अच्छे से मसाज कर लीजिए ताकि जो आपके एक्टिव पोर्स हैं वो अच्छे से पूरे सेट हो जाएँ आपके मॉइस्चराइज़र के साथ। फेस पे हमेशा मॉइस्चराइजर लगाते टाइम ध्यान रखें कि आपको उसको नेक पे भी अच्छे से लगाना है मसाज करते हुए। इसी तरह आप अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। तो ये जो शीट मास्क का मैंने ब्लॉग बनाया है ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी मिस आउट किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज़रूर करूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।